टू टाइनी स्फीयर्स कैरिंग ए चार्ज 1.5 माइक्रोकूलम एंड 2.5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। दो टाइनी स्फीयर्स हैं और ये 30 सेंटीमीटर दूर लोकेटेड हैं। फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर निकालना है आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट इन ए प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट। आराम समझना है, पहले पॉइंट को हम करते हैं डिस्कस। एक तो चार्ज है आपका 1.5 माइक्रोकूलम Q1, जनरल करते हैं फिर बाद में वैल्यूज आप खुद पुट कर लेना। और दूसरा जो चार्ज है वो है Q2। इनके बीच का सेपरेशन मान लिया है कुछ है, मान लिया 2A। 2A ऐसे मान ले रहे हैं क्योंकि हम हाफ ऑफ करेंगे तो a/2 नहीं बनेगा, A और A बन जाएगा। तो सबसे पहले इसका जो मिड पॉइंट है, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ पे हमें पोटेंशियल और फील्ड फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी A। तो पोटेंशियल निकालना तो बहुत ही आसान है। Q1 की वजह से होगा K Q1 अपॉन A, और Q2 की वजह से भी होगा K Q2 अपॉन A। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों का ही पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेट ऐड होकर नेट पोटेंशियल बन जाएगा ये। क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस प्लस Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा E1, और इस Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा E2। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और ऑब्वियसली Q2 चार्ज बढ़ा है तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस करना पड़ेगा, और E2 में से E1 माइनस करेंगे क्योंकि E2 जो है वो बड़ा है। E2 की वैल्यू कितनी आएगी, E2 हो जाएगा K Q2 अपॉन A स्क्वायर, और E1 बनेगा K Q1 अपॉन A स्क्वायर, और Q2 वाला बड़ा है इसलिए E2 में से E1 को हमने माइनस कर दिया, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। डायरेक्शन होगी फ्रॉम Q2 टू Q1, ये डायरेक्शन होगी इस फील्ड की, Q2 से Q1 की तरफ। क्लियर। सारी वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व आपको खुद से करना। ए पार्ट हुआ, अब जरा बी पार्ट की तरफ चलते हैं। एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट इन ए प्लेन नॉर्मल टू द लाइन एंड पासिस थ्रू द मिड पॉइंट। ये जो मिड पॉइंट है इसी से पास कर रहा है बट इस लाइन के नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे फील्ड निकालना। तो डायग्राम हम दूसरा बनाएंगे अब। तो ये आपकी लाइन थी, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस भी 15 सेंटीमीटर, और इसके मिड पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको यहाँ पे फील्ड निकालना है। ये प्लस Q1 चार्ज है, ये प्लस Q2 चार्ज है। तो Q1 की वजह से जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, नाम कह देते हैं इसका E1। और Q2 की वजह से जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों की वजह से फील्ड जो है वो अवे है E2, और सेम होगा नहीं क्योंकि Q1 Q2 चार्जेस अलग हैं, तो फील्ड भी दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक, ऑब्वियसली E2 ज़्यादा होगा, लेकिन इनके अगर ये एंगल मान लिया थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। तो अगर मैं ये डॉटेड लाइन यहाँ आगे बढ़ाता हूँ तो ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। तो ये जो कंपोनेंट्स होगा इस डॉटेड लाइन के अलोंग, ये दोनों के कॉस थीटा कंपोनेंट होंगे। तो इधर जो कंपोनेंट आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आपका आ जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, यानी E1 प्लस E2 कॉस थीटा कंपोनेंट। क्लियर। ठीक, अब इसके अगर हम ये डायरेक्शन के अलॉन्ग कंपोनेंट देखेंगे तो E1 का इस तरफ होगा E1 साइन थीटा, E2 का इस तरफ होगा E2 साइन थीटा, और ऑब्वियसली E2 बड़ा है तो E2 साइन थीटा भी बड़ा होगा। तो इसका नेट कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा और वो होगा E2 साइन थीटा माइनस E1 साइन थीटा, यानी E2 माइनस E1 साइन थीटा। क्लियर। ठीक, E1 साइन थीटा हो गया, E2 साइन थीटा हो गया, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस पॉइंट पे ई नेट, वो आएगा इन दोनों का रिजल्टेंट, यानी अंडर रूट ऑफ E1 प्लस E2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस E2 माइनस E1 साइन थीटा का स्क्वायर, E2 माइनस E1 साइन थीटा का स्क्वायर।
तो ये आएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब सारी वैल्यूज आपको खुद से सॉल्व करनी है, सारी वैल्यूज डालनी है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी होगी। साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज कहाँ से आएंगी, वो यहाँ से आएंगी। ये 10 है, ये 15 है, तो ये पाइथागोरस लगा के ये आप निकाल लोगे, साइन थीटा कॉस थीटा सब कुछ मिल जाएगा आपको।